डिलीवरी के बाद हर न्यू मॉम को बड़े हुए पेट से चिंता होने लगती है। बड़ा हुआ वेट उसके लिए चिंता का कारण बनता है। 9वें महीने तक पेट का आकार बढ़ने के बाद जब शिशु डिलीवर्ड हो जाता है तब पेट की मसल्स लूज हो जाती है और फिर पेट के एरिया में अतिरिक्त फैट जमा होना शुरू होता है। टमी फैट को कम करने के लिए यदि आप कुछ बातें नियमित फॉलो करती है तो आपका पेट जल्दी से रिड्यूस होगा। जो मसल्स लूज होती है वह भी टोन अप हो जाएगी। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको डिलीवरी के बाद 2 महीने तक वेट के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और यदि आपका सी सेक्शन हुआ है तो कम से कम 2.5 महीने आपको वेट लॉस करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन आप 2.5-3 महीने के बाद एक्सरसाइज कर सकती है। आपके सीजर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो फिर भी आप एक्सरसाइज शुरू करने से पूर्व एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले, या यदि आप पहले योगा और जिम करती थी तो 3 महीने के बाद आप फिर से शुरू कर सकती है जिम और आपका योगा, और साथ में वॉकिंग, डाइट में कुछ बदलाव आप कर सकती है। वह बदलाव कौन कौन से होने चाहिए आगे हम वीडियो में देखेंगे। घर में यदि दादी नानी है तो वहाँ आपको डिलीवरी के बाद पेट बांधने की सलाह देती है। जी हाँ, आफ्टर डिलीवरी पेट हम बांधते हैं तो यूट्रस को अच्छे से सपोर्ट मिलता है और फिर आपको भी कंफर्टेबल फील होता है। इसके कारण पेट अंदर जाने के लिए मदद भी मिलती है। अभी जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वह मैंने खुद ने भी आफ्टर डिलीवरी इम्प्लीमेंट किए थे, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प हुई है और मेरे पेट को कम करने के लिए मदद भी हुई है। तो आप भी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। टिप नंबर 1, डिलीवरी के बाद पेट को कम करने के लिए आपको मालिश करवानी है। जी हाँ, यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ही आपको पेट की मालिश करवानी है, लेकिन यदि आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको पेट की मालिश नहीं करवानी है। लेकिन आप पेट को बांध सकती है, 10 से 15 दिन के बाद पेट बांधना आप शुरू कर सकती है। आजकल मार्केट में पेट को बांधने के हिसाब से काफ़ी अलग अलग तरह के बेल्ट भी अवेलेबल है, वह भी आप यूज़ कर सकती है। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो पेट की मसाज आप कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल से कर सकती है। मालिश करने से मांसपेशियां टोन अप हो जाती है, इसीलिए आपको हल्के हाथों से एब्डोमेन की मालिश करवानी है। टिप नंबर 2, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करें। शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से कैलोरी बर्न होती है, इसीलिए आपको शिशु को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करानी है। डिलीवरी के बाद पहले महीने में आपको 1 से 1.5 घंटे से बेबी को पिलाना है और फिर 2 घंटे के इंटरवल से आपको शिशु को फीड कराना है जब शिशु 1.5 महीने का हो जाता है। इट मीन्स दिन में आपको 10 से 12 बार फीड कराना है आपके शिशु को। जब आप शिशु को फीड कराती है तो उससे भी पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। टिप नंबर 3, आपको डिलीवरी के बाद आपके डाइट में कुछ बदलाव करने हैं। वैसे तो डिलीवरी के बाद हमें ड्राई फ्रूट्स, घी आदि का सेवन भरपूर करना है, खाना भी अच्छे से खाना है। आपको डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनफैक्ट कुछ चीज़ों को आपको कम करना है और कुछ चीज़ों को बढ़ाना है, जिसके कारण आपको एनर्जेटिक भी फील हो, दूध भी अच्छे से आए, डिलीवरी के बाद आपके शरीर की रिकवरी भी जल्दी से हो सके और आपका वजन भी ना बढ़े। आपको आपके आहार में प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन से भरपूर आपका आहार होना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती है और आप यदि नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, चिकन और एग तथा हरी पत्तेदार सब्जियां, फल आदि का सेवन भी आप बढ़ा सकती है। आपको आहार में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। आप सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स खा सकती, दोपहर में फुल लंच ले सकती है और उसमें भी पोटैटो राइस आपको अवॉइड करना है। डिलीवरी के बाद पेट को कम करना है तो आपको भरपूर पानी पीना है। भरपूर पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलती है, लेकिन ध्यान रखें, खाना खाते समय आपको खाने के बीच में बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना है। वैसे दिन भरे में आप भरपूर पानी पी सकती है।
टिप नंबर 5, आप मैजिकल ड्रिंक बनाकर भी पी सकते हैं। जी हाँ, यह ऐसा मैजिकल ड्रिंक है जो आप यदि पीती है तो बेली फैट को कम करने में ये मैजिकली आपकी हेल्प करेगा। मैजिकल ड्रिंक बनाने के लिए आपको लगेगा 1 टेबलस्पून जीरा, 1 चम्मच अदरक का रस, आधा नींबू और 1 चना है, और उसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालकर उस पानी को अच्छे से उबालना है। उसे तब तक उबालें जब तक कि वह आधा हो जाए। थोड़ी देर से उसे गुनगुना होने के लिए छोड़ दे। फिर उस गुनगुने पानी में आपको 1 छोटा चम्मच अदरक का रस डालना है, आधा नींबू का रस डालना है और 1 छोटा चम्मच शहद डालकर उस पानी को अच्छे से पीना है। ऐसे आप सुबह और शाम 2 टाइम रोज कर सकती है। इसे आपको कम से कम 3 महीने रेगुलर पीना है। अदरक ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आयरन डेफिशिएंसी को भी कम करने में विटामिन सी हेल्पफुल होता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण यह काफ़ी लाभदायक हमारे हेल्थ के लिए होता है। तथा जीरा फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है दूध को बढ़ाने के लिए। तो यह काफ़ी अच्छा हेल्थ ड्रिंक जो आपको बेली फैट रिड्यूस करने के लिए भी मदद करता है। इसके साथ साथ आप योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग भी कर सकती है। इन सभी को करने से आपका बेली फैट और ऑल ओवर बॉडी जो वेट गेन हुआ है वह रिड्यूस होने में मदद मिलती है। तो यह थे वह 5 टिप्स जिन्हें आपको फॉलो करना है जो हेल्प करेंगे आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, और आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप पहले जैसे दिखने लगेगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय।